नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन। दिनभर के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कई दिग्गज प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कहीं हुआ रोड शो तो कहीं की गई सभा। कल तक चलेगा नामांकन का दौर। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को आएगा फैसला। भाजपा से गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जेएमएम पर साधा निशाना। डोरंडा में भाजपा की ओर से आयोजित की गई विशाल जनसभा। डबल इंजन सरकार बनाने का किया अपील। राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा जमीनी स्तर पर करना है विकास का काम। इधर जेकेएलएम से प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने निकाली बाइक रैली। कोयला चोरों को खदेड़ने के दौरान सीसीएल सुरक्षाकर्मी भुवनेश्वर मंडल हुए गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची किया गया रेफर। और जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का गिरिडीह स्टेडियम में हुआ आयोजन। जिला के विभिन्न विद्यालयों द्वारा लिया गया भाग। डीईओ ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। धनवार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। बता दें तो राजधनवार से जेएमएम भाकपा माले और निर्दलीय के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से अब भाजपा के लिए धनवार विधानसभा सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। सोमवार का दिन गिरिडीह जिला के लिए नामांकन का दिन रहा। धनवार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। बाबूलाल मरांडी खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे और पर्चा दाखिल किया। यहां इनके साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी अपने पैतृक गांव कोदाई बांध से निकले और गांव पहुंचे। यहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। यहां मां दुर्गा की आराधना करने के बाद बाबूलाल मरांडी खोरी महुआ के लिए रवाना हुए। इनके साथ भारी संख्या में पार्टी नेता और उनके समर्थक नजर आए। बता दें कि धनवार विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। इस सीट पर बाबूलाल के खिलाफ भाकपा माले के राजकुमार यादव, जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी और निर्दलीय निरंजन राय ने ताल ठोकी है। ईश्वर के सफल नेता पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के नामांकन सभा में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय कुमार सहवाती के नामांकन सभा में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। यहां उपस्थित जनता और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, वहीं कांग्रेस जो कहती है वह नहीं करती। झारखंड में सरकार हेमंत की बनी तो वादा किया कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम तो सभी के सुखी रहने की कामना करते हैं, सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की तरक्की की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते यह राज्य सुखी नहीं रह सकता। कहा कि हेमंत की सरकार में आज लगातार बहनों का अपमान हो रहा है। राहुल कहते हैं कि वे मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान झारखंड में राहुल की दुकान इरफान अंसारी चला रहे हैं। कहा कि ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर नफरत फैलाने में जुटे। शिवराज सिंह ने कहा कि ये लोग नफरत के सौदागर हैं।
ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, ये रोज माँ बहन का अपमान करने वाले हैं। अभी हमारी बहन सीता सोरेन को अपमानित किया। सीता सोरेन कौन है? दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी, शिबू सोरेन की बहू और सूबे की मुख्यमंत्री हेमंत की भाभी। हमारे यहाँ भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है और इरफान अंसारी ने माँ का अपमान कर दिया। कहा कि इन बातों को सुनकर दर्द होता है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस दौरान शिवराज ने हेमंत सोरेन की सरकार पर खूब हमला बोला। सभा के दौरान प्रत्याशी निर्भय कुमार सहवादी ने अपने प्रस्तावक के साथ ग्रिड एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस बाबत श्री सहवादी ने बताया कि लोग जात पात को प्रमुखता न देते हुए सभी स्वच्छ रूप से झारखंड को अगर बचाना है तो अपना अपना मतदान करें। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के अलावा विनय सिंह, श्याम प्रसाद, डॉक्टर विनीता, मुकेश जलान, पूनम प्रकाश, पूनम देवी, संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, सुरेश मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, नाम भी निर्भय है लेकिन नाम नहीं काम से भी निर्भय है। कोविड में कोविड के दौरान, अरे इंसान तो क्या ये कोविड से भी नहीं डरे, जनता की सेवा में लगे रहे, जान की परवाह नहीं की, सर पे कफन बांध के जनता की सेवा में दिन और रात जुटने वाले निर्भय सहवादी जी, जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत। विश्वास है गिरिडीह की सम्मानित जनता से, वो निष्पक्ष होगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, और न जाति न पाति, इन सभी चीजों को त्यागते हुए झारखंड को बचाने के लिए अपना मतदान करेगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? मैंने आपको बोला कि झारखंड को बचाना है। झारखंड की जो स्थिति बन पड़ी है, यहाँ व्यभिचार, अनाचार, लूट, खसोट इस सरकार में बढ़ा हुआ है, और हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेने की जरूरत है, और कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी शक्तियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आज तो संक्रांत है, आपने देखा होगा कि किस तरह से स्वतः सफुर्त हमको आशीर्वाद देने के लिए, मेरे को ताकत देने के लिए जनता उमड़ पड़ी, और यही मेरा मंत्र है और जीत का आधार भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा नमस्कार। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने अपने नामांकन के पूर्व शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अपने चुनावी कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद वह नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए प्रस्थान किए। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी के नामांकन से पूर्व भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सदर प्रखंड के मंगरोटी पंचायत से निकाली गई बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए भंडारीटी स्थित पार्टी के प्रधान चुनावी कार्यालय के समीप बनाए गए सभा स्थल पर पहुंची। मौके पर भाजपा युवा कार्यकर्ता निर्भय सहवादी के पक्ष में गगनचुंबी नारे लगा रहे थे। वहीं मौके पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, रंजित राय, आकाश सिंह, संदीप देव, दिनेश यादव, साधु यादव, साथु ठाकुर, मुकेश जलान, संदीप डेंगेच, विवेश जलान, कंपू यादव, प्रियंका शर्मा, कुमार सौरव, दीपक यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। Yeah!
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने गांडे के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि गांडे ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में भाजपा का कमल खिलेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने सोमवार को सुबह 10 बजे से गांडे मुख्यालय समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान गांडे, अहिल्यापुर, पर्वतपुर, फुलजरिया आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बार के चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। 5 साल तक झामुमो सोई हुई थी। 6 महीने पहले गांडे विधानसभा उपचुनाव हुआ है। विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमजनों के विकास की सूझी। अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है तो झामुमो सरकार लोगों को लुभाने के लिए मैया समान योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राज्य में कुशासन है, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। इधर गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव ने कहा कि वर्तमान में गांडे विधानसभा क्षेत्र की विधायक गांडे की जनता को ठगने का काम किया है। गांडे में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। झामुमो की सरकार और झामुमो के विधायक द्वारा जो काम किया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही काम किया है। कहा कि जनता अब जाग चुकी, इस बार गांडे ही नहीं पूरे झारखंड में भाजपा का कमल खिलेगा। इस दौरान गांडे व अहिल्यापुर मंडल में भाजपा की चुनावी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया, जबकि ताराटांड मंडल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने किया। मौके पर हरि मंडल, एंथोनी स्वामी, जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, आजसू प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव, चिंतामणि सिंह, सुरेंद्र लोहानी, पुरुषोत्तम चौधरी, रंजित सुरनकार, प्रवीण चौधरी, भगीरथ मंडल, प्रवीण गुप्ता, सत्यनारायण यादव, शालिनी वैशिख्या, संदीप वर्मा, महेंद्र वर्मा, रुद्र संकेत कुमार, नीरज राय, अभिषेक पाठक, श्याम पाठक, सुनील सिंह, राजेश भट्ट, अरुण पांडे, मनीषा पांडे, प्रमोद राय, वीरेंद्र पांडे, भरत लाल शर्मा, सुरेंद्र यादव, भोला मंडल, शंकर सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज गांडे विधानसभा
मंडल में जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अब देख सकते हैं कि भारी से भारी मतों में हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बंधुओं हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, मंडल को महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, देखने को मिल रहा है। तो बाकी में पता चलता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग जागरूक हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सीट को हम लोग जो निकालेंगे और जनता का आह्वान को हम लोग सुनेंगे और पूरा एकदम मन धन से लोग लग गए हैं और गांधी विधानसभा को फतेह हम लोग करेंगे तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, आसू, जदयू, हम के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं और इसी उत्साह में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार यहां भारी मतों से विजय होगा और एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न रूठे हैं, न किसी प्रकार का कष्ट है। सभी का एक ही लक्ष्य, जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आग, उसी प्रकार सभी कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य है विजय श्री, विजय श्री, विजय श्री। जैसे कि हम लोग 5 साल अभी देखे हैं, 5 साल के दरमियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के द्वारा जो काम किया गया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही काम किया गया है, दूसरे का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग सब हिंदू मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। एक एक हिंदू का वोट भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा और अभी से देख रहे हम लोग जितना चापाकल है, रोड है, सभी मुसलमानों के यहाँ दिया गया है। ऐसा धांधली नहीं चलने देंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन की जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने डुमरी में अपना नामांकन पर्चा भरा। इसके बाद जनसभा आयोजित की गई जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित हुए और बेबी देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके बाद उन्होंने चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बताया और कहा कि एक बार फिर से वोट देकर जेएमएम की सरकार बनाने की मांग की। इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी ने सोमवार को डुमरी में अपना नामांकन पर्चा भरा। इसके बाद इनके समर्थन में डुमरी के केबी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित नामांकन सभा में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित हुए। इन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज आपके बीच वोट मांगने आए हुए हैं। इन 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। पहले हम किस तरह दिखते हैं, अभी हमारी हालत कैसी हो गई है। मेरे कार्यकाल में कोरोना काल में 2 मंत्रियों को खोया है, हाजी हुसैन एवं जगन्नाथ दा को खोया है, जो भरपाई कभी नहीं हो सकती है। आज हमने मैया बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत पैसा आप सबके खाते में गया है, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। ये डुमरी विधानसभा जगन्नाथ बाबू का कर्म भूमि है। इस भूमि को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज आप सब भी वोट देकर झामुमो की सरकार बनाइए और हमारी हाथों को मजबूत कीजिए। श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ किया है, बिजली बिल माफ किया, वहीं 200 यूनिट बिजली फ्री किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। जबकि मंत्री बेबी देवी ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि जो आपके खाते में गई है, वह आपकी सम्मान के लिए दिया गया है। ये सम्मान योजना मेरे पति स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू का वचन था, जिसे मैंने पूरा किया और भविष्य में पूरा करूंगा। हम सभी ग्रामीण जनता को अपना भाई बहन बेटा बेटी समझकर काम करता हूं और करता रहूंगा। जिस तरह से मैंने आपको सम्मान दिया है, उसी तरह से मैं हाथ जोड़कर आप सब से सम्मान की अपील करती हूं। मुझे तीर धनुष में 20 नवम्बर को वोट दबा कर विजयी बनवाए। बेबी देवी जी का आज इस चुनाव में नामांकन के पर्चा भराव अभियान में आप सब लोग गवाह बने, साक्ष बने, इसके लिए आप लोग का सत सत नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज तो पर्चा भराई शुरू हुआ, अकेले घूमता था, तो इसलिए साथियों इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मंत्री जी काम कर रहे थे जगन्नाथ बाबू, हमने जो क्षेत्र के आदमी के सब देख रहा है और जहाँ जहाँ भी काम कर रहे थे, तहाँ तहाँ हमारे शिला पाठ लागल हो जगन्नाथ बाबू के, हर जगह जाए के तो नहीं देख ले है जितना पुल पुलिया। देवी देवी मत घबराना,
बिल्कुल भी मत घबराना। आज बहुत हमने आज तो खातिर हमने बहुत आज काम कर लिया, तो हाथ जोड़ लिया सब हमें टूंगी के हमारे हम बेटा लगे बेटी लगे दीदी लगे सबके हाथ जोड़ लिया। इतना हम काम कर रहे क्षेत्र में हाथ जोड़ लिया जरूर तो अपन सोच के अधिकार है हम मांगे में तो सबके हाथ जोड़ लिया। जय हिंद जय जय। गिरिडीह विधानसभा के जेएलएम के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद जुलूस निकालकर शहरी क्षेत्र में रोड शो किया गया और लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील की। कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन किया जाए। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने सोमवार को 12 बजे सिविल कोर्ट के बगल में स्थित अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया। इसके पहले बाइक जुलूस पचम्बा के तेतरिया मैदान से निकाली गई। बाइक जुलूस में निकले नवीन आनंद चौरसिया ने पचम्बा और शहरी क्षेत्र में रोड शो किया। बाइक में हजारों की संख्या में उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए शहर में प्रवेश किए। इस मौके पर नवीन आनंद चौरसिया ने लोगों से समर्थन मांगा और इस बार के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करने की बात कही। नामांकन के दौरान इनके साथ पार्टी के प्रमुख लोग मौजूद थे। इस बाबत नवीन आनंद चौरसिया ने बताया कि गिरिडीह में विकास का काम पूरी तरह से फ्लॉप है। जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिलेगा तो विकास की लकीर खींची जाएगी, पलायन को रोका जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ के आदिवासी गरीब युवा के लिए काम किया जाएगा। कहा कि बड़े बड़े शिलान्यास का बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, विकास को तेज गति से धरातल पर उतार कर जनता को सुपुर्द करना है। पिंटू लोगों पर करवा जिन मुद्दों पर त्रस्त है, पानी सड़क हमारे यूथ जो है त्रस्त है, पलायन को रोकना है और सबसे बड़ी बात भवन सरकार ने जमीन के रजिस्टर जो पहला वाला उन्होंने जो पूर्ण नहीं किया है उससे हमारे हमारी जनता गिनती के त्रस्त हैं। कोई जो है अपने बच्चे का मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है, विभिन्न मामले हैं, लेकिन जमीन का जो वादा किया गया था वास्ता जीत गया। गिरिडीह स्टेशन में अंटा बंगला से इंदिरा गांधी तक का जो पुल का ओवरब्रिज का निर्माण था वो 5 साल में किया वादा किया। और हमारे झारखंड के स्तर पर अगर आप देखें तो और सब राज्यों में 90% तक का आरक्षण हमारे स्थानीय लोगों को दिया गया वो पूरा नहीं हुआ। झारखंड में आज कल स्मार्ट का वादा तो पूरा नहीं हुआ। 45% यहाँ से खमीज हमारा देश के सारे 100% में 45% खमीज जो है वो हमारे देश का आपूर्ति झारखंड करता है, लेकिन आज भी हमारा झारखंड बेकार है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी यूरोलॉजी स्त्री रोग हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया टाइफाइड प्रसव हाइड्रोसिल हर्निया अपेंडिक्स बावासीर गॉल ब्लैडर स्टोन पेट का कैंसर किडनी का पथरी बच्चेदानी का ऑपरेशन पैनक्रियाटिक सर्जरी पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण कुल्हा प्रत्यारोपण हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डप्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7038645619551520 गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबरडी में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के तीन लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया गया कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन पर घेराबंदी किया जा रहा था, तब इन लोगों ने उसे रोकने गए तो इनके साथ मारपीट कर दी गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबरडी निवासी एक ही परिवार के तीन लोगों को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। तीनों का इलाज सोमवार को 11 बजे अस्पताल में चल रहा था। घायल में शकीला बेगम, हलीमा बेगम और मोहम्मद अफसर शामिल है। मारपीट का आरोप इजाज अहमद उर्फ पेंटर पर लगा है। बताया गया कि घायल लोगों का बरवाड़ी एरिया में 81 डिसमिल जमीन है, जिसमें से 15 डिसमिल में इजाज अहमद उर्फ पेंटर ने जबरदस्ती कब्जा कर घेराबंदी कर रहा था। मना करने गए तीन लोगों के साथ मारपीट किया गया, जिसमें तीनों घायल हो गए। बताया गया कि इनकी पुश्तैनी जमीन है, पहले भी झगड़ा जमीन को लेकर हो चुका है। क्या मामला था? क्या मामला था? कोई मामला नहीं था, हम लोग के जमीन में वो घर बना रहा, जबरदस्ती करके केस चल रहा, फिर भी नहीं मान रहा है। आज हम लोग इंजर मारने पिटने लग दिया। कौन लोग मारा है? एजाज, एजाज अहमद पेंटर। किसका वो जमीन? किसका? मेरा है, मेरा जमीन है। वो कैसे कर जबरदस्ती कर रहा है? जबरदस्ती कर रहा है, कर रहा है। हम 10-20 आदमी रख लिया है वहाँ। आप लोगों के साथ मारपीट भी किया? मार तो किया, पूरा हाथ पैर तोड़ के पटक दिया था। ऐसे माता और बच्चे पे पकड़ने लगा। जा जहाँ जाना था वहाँ चल जा। हाँ, जहाँ जाना जा, उसे बोल रहा था क्या कर लेगा वो। अपना इंडिया अफसर अंसारी। इन लोग क्या नाम है? शकीला बेगम, भाभी है हलीमा बेगम। हलीमा बेगम वहाँ पर गए हम तो डायरेक्ट लाठी निकाले, लाठी चार्ज कर दिए। पूछताछ भी करने के लिए गए तो वो लोग खुला बुझाने ही मारने लगा डायरेक्ट। किस मामले में, क्या मामला था? जमीन विवाद में 2 साल से मतलब केस चल रहा है। जमीन विवाद में केस चल रहा था तो वहीं पूछने के लिए गए तो डायरेक्ट नहीं, मतलब गुंडागर्दी को काम करवाएंगे, हम अपना मर्जी काम करवाएंगे। काम करवाने लगा, अभी जवाब उठा रहा है। कहाँ पर जमीन है? बरवाड़ी में। आपका घर कहाँ है? माता। कौन थाना पड़ता है? कौन लोग मारा है? पेंटर एजाज अहमद उर्फ पेंटर। तो जमीन आपका है? जमीन हमारा है। 2 साल से केस चल रहा है, फिर भी काम लगा।
तो आप लोग अभी थाना गए थे? थाना हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, आवेदन सब जगह दिए हुए, डीसी को भी दिया हुआ, फिर भी कुछ नहीं कार्रवाई। मारने वाला भाई एक ही है, और भी कोई था क्या? गुंडा लोग सब मतलब रखा था आदमी लोग, तो बोला कि गोली मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दादागिरी बहुत कर रहा है। कहाँ का रहने वाला है वो? वो गांधी गली का रहने वाला। राल धनवार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने डोरंडा के मैदान में सभा का आयोजन किया, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। राल धनवार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने सोमवार को अपना नामांकन पर्ची दाखिल किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें जैन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नामांकन के बाद डोरंडा के मैदान में सभा को संबोधित किया, जहां लोगों ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक वर्ष की बजट पानी पर खर्च करे तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान को पानी और बिजली चाहिए। सभा के दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कहाँ हाथ उठता है दोनों हाथ? कारण है भैया, झारखंड में ईडी बहुत ज्यादा चलो है, ऐसा नहीं कर ली कि ऐसा हम पंगा ला लाई है, ये छोट मोट पंगा ना ला लाई है ना, तो ऐसा नहीं कर ली कि हमारा गांव जेल ढूंढा दे रहा तुम्हारी पीछे भाग के से हम हमारा जियालो फैक्टर तोड़ी फाटा दे हमारा जीता भी कारण हमारा कभी भी हमारा पर छापा मार सको, कभी भी ईडी कर सको, कभी भी कुछ भी कर सको है, हमारा अकेले नहीं छोड़ दूंगी, तो हम हूं जबरदस्त नहीं डर जाओ। कारण है कि राज धनबाद विधानसभा को हम यहाँ का बेटा है, और आज यहाँ जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसको आप लोग सबको देख रहे हैं, क्या इस बेटी भैंस को 5 साल दीजिएगा? अरे भैया हम एक बार बोल दिया कि जनता चुनाव लड़ रहा है, किसी बहकावे में नहीं आइएगा, और धर्म पर जाना ही नहीं है, इस असरा धर्म का ठिकाना नाम सही है। पूरा मूड बना चुकी है बदलाव का, और आज ही दिखा दिया जनता है ना, जनता आज ही दिखा दिया, आज ही पलट दिया, अब कहीं कोई शक नहीं है, न कोई कंप्यूटर है बचाओ। यहाँ पे बता दो पानी का कुछ मामला, कि अपना बजट 1 साल अगर यहाँ दे दे तो पानी का व्यवस्था हो सकता है झारखंड में? झारखंड में तो यहाँ पर पानी का व्यवस्था हो सकता है, पूरा कहीं पानी कमी नहीं होगा। किसान के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे बड़ा हम मुद्दा बात करें तो पहले बोल रहे किसान का पहला मुद्दा हम यही रखे है, अरे बिजली और पानी, और किसान को क्या चाहिए? जीत को लेकर किसान 1000% आपके सामने विपक्ष के रूप में कोई नहीं है, बाबूलाल मरांडी जी और आप किसी के में कोई नहीं है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उन लोग, किसी का काम नहीं, हम जीत चुके हैं, उन का स्टार प्रचारक कॉन्फिडेंस का जनता कॉन्फिडेंस है, इधर नहीं मिल रहा है क्या चीज, इस तरह का बात जब चुनाव लड़ रहा तो क्या है वादा करेंगे, जनता जिताएगी, जनता का मन में बहुत नक्शा बना के रखे हुए हैं। अब वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है, हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पुमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर,
जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिलाओं के सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कम खर्चे में उपचार किया जाता है। बताया गया कि यहाँ ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। पचम्बा रोड के बोड़ो स्थित पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी प्रकार की महिला स्वास्थ्य समस्या का उपचार बहुत ही कम खर्च पर किया जाता है। सोमवार को इसकी जानकारी हॉस्पिटल से दी गई। बताया गया कि यहां ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है, वह भी मात्र 5,000 रुपये में। इस हॉस्पिटल में योग्य एवं अनुभवी डॉक्टर एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, गाल ब्लैडर, हर्निया, पथरी, पाइल्स, ट्यूमर आदि का सफल ऑपरेशन कम खर्च पर किया जाता है। बताया गया कि आईसीयू, निको, वेंटिलेटर, इमरजेंसी वार्ड, कैबिन, जनरल वार्ड, एक लैब फार्मेसी और आरओ वाटर की भी सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधक ने सभी से आग्रह किया है कि कोई अपनी बीमारी डॉक्टर से नहीं छुपाए। बीमारी छुपाने की वजह से विगत दिनों मरीज की दुखद मौत हो गई और बदनाम अस्पताल को किया गया था। बताया गया कि इस अस्पताल में 24 घंटे अनुभवी डॉक्टर, नर्स और स्टाफ उपलब्ध रहते हैं। महिला को जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी इलाज है, सबका इलाज यहाँ पे होता है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, मैक्सिमम लोग का प्रयास नॉर्मल डिलीवरी किया जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है तो हम लोग जाके LSCS में जाते हैं। बाकी पूरी कोशिश हम लोग की नॉर्मल डिलीवरी की रहती है। नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग का रेट 5,000 रुपये है, बड़ा ऑपरेशन का 20,000 रुपये है, अपेंडिक्स 15,000 है। हमारी संस्था में सब चीज़ का फैसिलिटी है, जो कि गिरिडीह के लोग चाहते हैं वो सारा कुछ फैसिलिटी है। ICU है, NICU है, ऑल थिंग्स। अभी बीते कुछ दिन पहले एक मरीज की दुखद घटना हो गई थी, तो मेरी सब जन से आग्रह वही है कि कोई भी बीमारी, पिछला जो भी बीमारी अपने डॉक्टर से ना छिपाएं। आप उन्हें पिछला जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कत है, आप उन्हें डॉक्टर को बताइए, तभी से अच्छे से इलाज हो पाएंगे। आप चाहे कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चल जाइए, अगर आप पिछला बीमारी आप डॉक्टर से या हॉस्पिटल से आप छुपाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। बीते कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी, पिछला जो भी बीमारी है वो हमें या डॉक्टर को बताया नहीं गया था, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी, जिसका परिणाम डॉक्टर को, हॉस्पिटल को उठाना पड़ा। हमारे यहाँ 2400 घंटा डॉक्टर है। बहुत सारी ऐसी अफवाह है कि इस संस्थान में डॉक्टर नहीं है, अच्छी टीम नहीं है। आप एक बार आके तो देखिए, इस हॉस्पिटल में झारखंड की बेस्ट डॉक्टर है, झारखंड की बेस्ट नर्सेस है, पूरी टीम यहाँ की बेस्ट है। अफवाहों में बिल्कुल ना जाएं। आप एक बार जो भी किन्हीं को दिक्कत है, एक बार स्वयं आके यहाँ पे दिखाएं। OPD फीस बस मात्र 100 रुपये। कोई भी अफवाह में ना जाए, यहाँ पे सब चीज की फैसिलिटी है और बहुत ही कम खर्च में बेहतर इलाज है। आप लोग से आग्रह वही है कि फिर से कोई भी पुराने बीमारियां आप कोई भी डॉक्टर से ना छिपाएं,
सिर्फ मेरे हॉस्पिटल नहीं, आप कोई भी हॉस्पिटल जाइए, जो भी पुरानी बीमारियां हैं और वहां पे आप बीमारियों को बताएं, तभी जाके अच्छी से अच्छी इलाज होगी। गिरिडीह स्टेडियम में जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। बताया गया कि जीते हुए प्रतिभागियों को बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेल गांव रांची भेजा जाएगा। जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को 12 बजे गिरिडीह स्टेडियम में किया गया। उक्त प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न विद्यालयों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उक्त जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान क्रमशः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डुमरी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमुआ एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गांडे ने प्राप्त किया। बालक वर्ग में एकमात्र उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुम्हरलालो पीटाण चयनित हुआ। बालक एवं बालिका वर्ग में चयनित प्रथम स्थान प्राप्त टीम 3 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु दिनांक 2 नवंबर को बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव रांची जाएंगे। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।